What is up people, this is Akib and you're watching TechnoBoss India. और Samsung ने finally S21 का जो है launch date वो announce कर दिया है, that is 14th of January, जिसका नाम है Galaxy Unpacked. अब इससे related जो है S21 काफी leaks and rumors आए हैं और आज हम वही सब clear करेंगे. तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के episode पे. Samsung जो है S21 series वो तीन फोन्स में लॉन्च करेगा, S21, S21 Plus और S21 Ultra, सेम लाइक S20. अब इसमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी तीनों में, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा. तो पहले मैं सिमिलैरिटीज की बात कर लेता हूँ. जहाँ आपको S21 और S21 Plus और जो अल्ट्रा है, तीनों में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलेगा, यानी कि जो गोरिल्ला ग्लास 7 सीरीज है वो देखने को मिलेगा. तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफ़ी सही होने वाला है. और जहाँ तक डिस्प्ले का सवाल है, तीनों में आपको जो है सैमसंग का इन्फिनिटी ओ डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है. अब इसके बाद डिफरेंसेस कंपेयर टू जो सिमिलैरिटीज है काफ़ी ज़्यादा है. जहाँ आपको S21 और जो S21 Plus है, वहाँ पे आपको जो है क्वाड HD स्क्रीन नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको सिर्फ फुल HD स्क्रीन मिलेगी, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है 120Hz होगा. अब ऐसा सैमसंग ने क्यों किया मुझे पता नहीं है. यूजुअली लोग जो है आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको पता है कि क्वाड HD और जो 120Hz रिफ्रेश रेट है वो दोनों साथ में नहीं चलती है. लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन जो है लोगों पे रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद 1440p और 60Hz यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा. वहीं अल्ट्रा में जो है आपको क्वाड HD भी मिलेगा और 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिलेगा. और इनफैक्ट कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि 120Hz जो रिफ्रेश रेट है और जो क्वाड HD है दोनों साथ में चलेंगे. अब ये सच है कि नहीं वो हमें लॉन्च डेट पे पता चल जाएगा. इसके अलावा जो S20 Plus है और जो अल्ट्रा है, उसका जो बैक पैनल है वो ग्लास होने वाला है. लेकिन वहीं जो S21 बेस वेरिएंट है, यानी कि नॉर्मल वाला, उसका जो बैक पैनल है वो जो सैमसंग बोलता है ग्लास टेक, यानी कि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का होगा. अब जो लोग कवर यूज़ करते हैं शायद उनको फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगेन इट्स एन एस सीरीज, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पैनल है वो ग्लास होता तो बेटर होता. जहाँ तक स्क्रीन साइज की बात है, आपको जो S21 है वहाँ पे आपको 6.2 इंच की स्क्रीन मिलेगी, S21 Plus में आपको 6.7 इंच मिलेगी और अल्ट्रा में आपको 6.8 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी. जो अल्ट्रा है उसका जो ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स पे है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो अदर टू है जिनका 1200 निट्स पे है. अब चलते हैं कैमराज की तरफ. जो S21 है और S21 Plus है, वहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा सेम लाइक S20 सीरीज, और जो ट्रिपल कैमरा है वो मोस्टली सेम ही है. इनफैक्ट सेम ही आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, आपको 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, और आपको उसके अलावा एक और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है. वहीं पे जो आपका अल्ट्रा है S21 अल्ट्रा, वहाँ पे आपको 4 कैमरास मिलते हैं, और यहाँ पे जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की गई है S20 के कंपैरिजन में. यहाँ पे आपको जो S21 अल्ट्रा है आपको मिलता है जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, कंपेयर टू 100 मेगापिक्सल जो S20 में था. और उसके अलावा आपको जो बाकी दो कैमराज है वो टेलीफोटो है और अल्ट्रा वाइड है, दोनों 12 मेगापिक्सल है. और जो लास्ट वाला कैमरा है वो पेरिस्कोपिक जूम है, जो 10x तक जूम कर सकता है, एंड अगेन इट इज़ 10 मेगापिक्सल. फ्रंट कैमरा में भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है. जो अल्ट्रा है वहाँ पे आपको 40 मेगापिक्सल मिलता है, वहीं जो S21 और S21 Plus है वहाँ पे आपको सेम मिलता है जो है 10 मेगापिक्सल का. ऑटो फोकस के मामले में भी यहाँ पे आपको लेजर ऑटो फोकस मिलता है, जो आपको S21 और S21 Plus में नहीं मिलता है. अब एक और चीज़ है, जो डायनेमिक रिफ्रेश रेट है वो आपको सिर्फ S21 Ultra में मिलती है, यानी कि जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली जो रिफ्रेश रेट है वो बढ़ा सकता है और कम कर सकता है. अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो रिफ्रेश रेट को जो है वो है 120Hz पे ले जाएगा, और अगर आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे साइड पर रखा है तो वो 1Hz या उससे कम या उससे ज़्यादा तक रखेगा. वहीं जो S21 और S21 Plus है वहाँ पे आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, 60 और 120Hz का. अब जहाँ तक मेमोरी का सवाल है, आपको S21 और S21 Plus जो है उसमें 8GB रैम मिलेगा और 128GB का बेस वेरिएंट मिलेगा और 256GB का जो है एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा. ये S20 में नहीं था. और जो अल्ट्रा है वहाँ पे आपको 128, 256 और बहुत सारे रूमर्स ऐसे भी है कि 512GB भी मिल जाएगा. एक बुरी खबर यह है कि आपको शायद माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट ना मिले. ये भी जो है कुछ लीक्स उभर के आए हैं जो जिन्होंने ये बोला हुआ है. अब अगेन ये कितना सही है हमको लॉन्च डेट पे पता चल जाएगा, जो है 14th of Jan. अब जहाँ तक बैटरीज की सवाल आती है, आपको जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको ऑफकोर्स कम बैटरी मिलेगी, जो है 4000mAh की, और जो S21 Plus है वहाँ पे आपको जो है 4800 की मिलेगी. तो कंपेयर टू S20 जो प्रीवियस वर्जन है जिसका 4500mAh था, उसके मुकाबले काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट है. और जो टॉप वेरिएंट है, यानी कि जो S21 Ultra होने वाला है, उसमें आपको 5000mAh की बैटरी तक मिलेगी. प्राइजेस क्या होगी अभी तक कन्फर्म नहीं है. इंडिया के लिए तो मेनली कन्फर्म नहीं है, यूरोपियन मार्केट के लिए लीक हो चुकी है.
अब जहाँ तक प्रोसेसर का सवाल है, वहाँ पे आपको जो फॉरेन मार्केट्स है जैसे कि यूएस और मेनली कोरिया और चाइना, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा, और जो इंडिया है और यूरोपियन है वहाँ पे आपको जो एक्सिनोस है इनका चिपसेट, उसी का 2100 चिपसेट मिलेगा। अब अगेन कितना डिफरेंस होगा दोनों में, 888 और 2100 में, वो हमको आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि आपको जो है बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको केबल मिलेगी। अब ये थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि सैमसंग वॉज द कंपनी जिसने मॉक किया था एप्पल को जब उन्होंने जो चार्जिंग ब्रिक है वो फोन से निकाल दी थी, और अब वो लोग खुद चार्जर्स नहीं दे रहे। S21 और S21 Plus जो है वो 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप कुछ 25 वॉट चार्जर आप खरीद सकते हैं, और वहीं जो अल्ट्रा है वो अराउंड 40 वॉट्स तक सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको जो ब्रिक्स है वो सेपरेटली खरीदनी होगी। अब ये कितना सही है और किस किस मार्केट को इफेक्ट करेगा ये लॉन्च के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये थे कुछ लीक्स और रूमर्स जो निकल के आए। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि बाकी सबको भी पता चले। बाकी हमको जो है 14th of January को पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नया आने वाला है फोन में, और क्या क्या जो है डिसअपॉइंटिंग होने वाला है। तो मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टे सेफ, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, बाय बाय।